नमस्कार मेरे सभी दोस्तों, आज एक बार फिर मैं राहुल नैयर उत्तर प्रदेश के चुनावी कुरुक्षेत्र का ताजा हाल लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। कल बीजेपी सरकार ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी सेंधमारी की है, तो आज बंगाल की मुख्यमंत्री अखिलेश के सपोर्ट में उतर आई है, जिसके चर्चे हर किसी की जुबान पर है। पर यह चुनावी शतरंज कब कौन सा पासा पलट ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका समय ज्यादा ना लेते हुए आपको आज की चुनावी क्षेत्र की चुनावी खबर सुनाता हूँ। अखिलेश यादव की पार्टी के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी सपा के लिए प्रचार करेंगी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस उस राज्य में चुनाव नहीं लड़ेगी। सपा के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने मंगलवार को यह बात कही। उत्तर प्रदेश से सोमवार को लौटे नंदा ने इस मुद्दे पर बनर्जी के साथ उनके आवास पर एक घंटे तक बैठक की। नंदा ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। ममता बनर्जी लखनऊ और वाराणसी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ डिजिटल माध्यम से प्रचार करेगी। वह 8 फरवरी को लखनऊ में होगी और एक डिजिटल प्रचार कार्यक्रम में शामिल होगी। वह फिर अखिलेश जी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करेंगी, नंदा ने कहा। ममता बनर्जी एक मजबूत नेता है और जिस तरह से उन्होंने भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी तथा 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उसे हराया, वह पूरे विपक्ष के लिए एक सबक है। उनकी लड़ाई अभूतपूर्व थी, पूरे देश ने उस लड़ाई को देखा जो उन्होंने भाजपा के खिलाफ लड़ी थी। अब यह देखना है कि अखिलेश बाबू को ममता बनर्जी के साथ का कितना फायदा होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कल फिर एक नई दिलचस्प चुनावी खबर के साथ आपके साथ फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।